दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसा कोई आइडिया चल रहा है जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसको आप शुरू करना चाहते हैं, तो वो आपके मन में चलता ही रहेगा, क्योंकि आप शुरू ही नहीं करने वाले, बस आप सोचते रह जा रहे हैं, अपना आइडिया बना के रखें, लिख के रखें, लेकिन हम आगे उसको नहीं बढ़ा पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कैसे शुरू करें। अब देखो, आपने एक आइडिया सोच के रखा, फिर आपने देखा कि भाई ये आइडिया तो पहले से ही चल रहा है, इस आइडिया पर मैं कैसे काम करूँ, ये तो ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर आपने दूसरा आइडिया सोचना शुरू कर दिया वहीं पे। अब देखा आपने कि भाई मेरे को अब ये करना है, ये करना है, तो ऐसे करके हम ट्रैप में फंसते जाते हैं, हम कुछ सोच ही नहीं पाते, हमारा बिजनेस आइडिया प्लान नहीं बन पाता। बहुत सारी जगह में ऐसा होता है कि हम मार्केट में जाते हैं, घूमते हैं और देखते हैं कि भाई ये हार्डवेयर की दुकान खोला है, इसने ये वाली शॉप खोली है, मैं भी ऐसी शॉप खोल लूँ तो मेरा भी प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि इसकी तो इतनी दुकान चल रही, भाई मेरी भी बहुत चलेगी। ये भी एक गलत पॉइंट भी हो जाएगा अगर आपने ऐसा सोचा तो। जब भी कोई आइडिया आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में प्रॉपर तरीके से रिसर्च कीजिए, प्रॉपर तरीके से आप उस पर एनालाइज कीजिए कि भाई मैं इस पर आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं, क्या मेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में है, मैं इस बिज़नेस को शुरू करूँगा तो इसमें मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, मुझे कितना नॉलेज है इस बिज़नेस के बारे में, ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी आपके मन में कोई भी आइडिया आता है ना, उस आइडिया को एक कॉपी में नोट डाउन करो और फिर उसके बारे में एक एक पॉइंट डीपली निकालो कि कैसे इस बिज़नेस को हम करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कितना माल लगेगा, कितना प्रोडक्शन करेंगे, हम सेल कहाँ पे करेंगे अपने प्रोडक्ट को, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट बनाएंगे ना, और बेचेंगे कैसे प्रोडक्ट को, और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, लिस्ट बनाइए, फंडिंग कहाँ से इकट्ठा करेंगे, और अगर आपने ये किया ना तो आप बिज़नेस में सक्सेस होंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और बिना प्लानिंग के अगर आपने स्टार्ट किया तो वहाँ पर प्रॉब्लम तो आना मुनासिब है, प्रॉब्लम तो वहाँ पर आएगी हमेशा, 100% मैं ये बता रहा हूँ। अब देखो, आज की डेट में बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जिनको आप शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अभी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, या फिर आप डिजिटली आ जाओ ना, डिजिटली में आप YouTube हो गए, YouTube में बहुत सारी ऐसे वीडियोस हैं जो अवेलेबल नहीं है, तो उनके थ्रू उनके टॉपिक बना के आप YouTube में भी अपना अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से लोग YouTube के थ्रू स्टार्टअप कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनको खरीदा गया है मिलियनों रुपये दे के, वाईफाई स्टडी एक एग्जांपल है। अब बहुत से लोगों के ये कमेंट आते हैं ना कि भाई मेरे को बिज़नेस आइडिया बताओ, हमको बिज़नेस आइडिया बताओ, उस पर वीडियो बनाओ। बिज़नेस आइडिया पे मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, नए नए बिज़नेस आइडिया जिनको आपने शायद सुना भी ना हो, तो मैं उन पर रिसर्च कर रहा हूँ, बिल्कुल लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा भाई कौन कौन से बिज़नेस आइडिया हैं जिनको आप कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे आइडिया मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था ना, 5 आइडिया जिनको शायद अभी शुरू नहीं हुए हैं वो, तो उनको अगर किसी ने शुरू किया तो वो भी ग्रो अप में जाएंगे। आपके मन में कोई भी स्टार्टअप चल रहा है, बिल्कुल उसको सोच लीजिए कि मेरे को ये करना है, इधर उधर मत जाइए, किसी की हमें कॉपी नहीं करना है, अगर हम किसी की कॉपी करेंगे तो वो दिक्कत वाली बात होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पहले आप रिसर्च तो करो कि भाई मैं कॉपी भी करो तो उस पर पूरा नॉलेज ले लूँ, देन उसके बाद स्टार्ट करो। जो बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसने कितनी मेहनत की होगी उस बिज़नेस को खड़ा करने में, तो आप उसको देख के सोचो कि भाई मैं भी इसको जल्दी से कर लूँगा, ऐसे ही मेरा बिज़नेस चलेगा ना, ख़त्म हो जाओगे, फैल हो जाओगे। शुरू आपको कब करना है, पहले पूरी रिसर्च करो, नॉलेज लो, देन उसको शुरू करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।